कि दोस्तों ये हमारी हाइब्रिड गुड़हल है और इसकी ग्रोथ कम हो पा रही है। इसको लगाए 2 महीने हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके इसमें कुछ खाद नहीं डाली जाए, इसलिए मैं इसकी मिट्टी निकालूँगी। अब ये अच्छी नहीं है मिट्टी, ये मैं नर्सरी से लाई थी गुड़हल, और वो मिट्टी भी वही है, इसलिए इसकी मैं निकाल दे रही हूँ मिट्टी को, और मैं कुछ खाद इसमें दूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी मैं कौन सी खाद दूंगी इसमें। निकाल रही हूँ मैं इसकी, इस तरह से हम इसकी सारी मिट्टी को निकाल देंगे। देखिए मैं इसकी सारी मिट्टी को निकाल दूंगी और मैं इसमें खाद दूंगी। इसकी मिट्टी मैंने निकाल दी दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कुछ चाय की पत्ती है यूज करी हुई, उसको मैंने धोकर सुखा लिया है। अब मैं इस गुड़हल में ये चाय की पत्ती ही डालूंगी। तो देखिए मैं इस तरह से इसमें चाय की पत्ती को डाल दे रही हूँ, अच्छी तरह इसमें भर दे रही हूँ, और उसके ऊपर से मैं मिट्टी को डालूंगी। फिर देखना इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। मैं यही सब चीज़ों को यूज करती हूँ दोस्तों। मैं पानी दे रही हूँ, अच्छी तरह से इसमें पानी दूंगी, बहुत अच्छी तरह से पूरा भर दूंगी इसको, और इसको मैं धूप में रखूंगी, फुल धूप में रख दूंगी इसको। फिर दिखाऊंगी मैं इसकी ग्रोथ होगी और इस पर कलियाँ भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे। देखिए दोस्तों पानी मैंने अच्छी तरह से भर दिया है इसमें। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। ऊपर से मिट्टी को डाल दे रही हूँ, चाय की पत्ती के ऊपर से इस मिट्टी को डाल दूंगी। दूसरी है मिट्टी, ये वाली ये मिट्टी डालूंगी मैं, ये दूसरी मिट्टी हमारे गार्डन की है, ये इस मिट्टी को मैंने गार्डन की मिट्टी को इसमें रख दिया है ऊपर से। देखिए हमारी गुड़हल की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। चाय की पत्ती की खाद बहुत ही अच्छी है दोस्तों, ये ज़रूर यूज कीजिए अपने घर में। इस तरह से हम इसकी मिट्टी को प्रेस कर देंगे और अब हम इसमें पानी दे देंगे।